पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी चल रहे आर्थिक संकट के मद्देनजर आज अकाली नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने पंजाब सरकार से दोष लगाया कि वह पंजाबी यूनिवर्सिटी बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, जिससे चलदिया इसकी रोंद कायम रहने भी सवाल खड़े हो गए। पर सरकार इस बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही, उल्टा होर यूनिवर्सिटी बना रही। चंदू माजरा ने कहा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव जी के 500वें प्रकाश पुरब की दौड़ च आई सी, भाषा के नाम से बनी है विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है। देखो पटियाला तो मनोज शर्मा की पूरी रिपोर्ट। शताब्दी समागम असी मना मुकम्मल कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी का भोग पैदा जा रहा। यूनिवर्सिटी अच्छ बड़ी वीड्डी चुनौती चो गुजर रही है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहबान, कर्मचारी, ईवन विद्यार्थी सड़क से बैठे ने, तनखाह नहीं मिल रही, सारा ठप हो गया। पंजाबी यूनिवर्सिटी ने खेडा के खेत्र भी तो अकैडमिक तौर पर भी एक ना कमाया, थां कमाया, सरकार कमाया वर्ल्ड लैवल से। और 50 साल के सफर के इस यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ी देन दी पंजाबी माँ बोली नूं, पंजाबी दे विकास लई। और उस यूनिवर्सिटी जिन्हें खेडा विच भी, अकैडमिक मामलों विच भी, और बड़िया समाजिक चुनौतियां दे हांडदा बनाने लई भी विद्यार्थियों पैदा किया। और इस यूनिवर्सिटी की हर खेत्र दे विच देण उस यूनिवर्सिटी नूं अज सूबे की सरकार की बेरुखी करके, सूबे की सरकार की लापरवाही करके, सूबे की सरकार जी कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दी आ, उदी एक मैं तो कहांगा एक साजिश दे अधीन इस यूनिवर्सिटी नूं दा वजूद ही खत्म किया जा रहा। और यूनिवर्सिटी नूं इस तरह लग रहा भी कि प्राइवेट हत्थां विच बेचण की तैयारी दी आसार नज़र आ रहे हैं। तो इस करके अज पंजाबी यूनिवर्सिटी नाल संबंधित जेडे पुराने अलूमनी है, जी यूनिवर्सिटी की सुखदेव सिंह सिद्धू जी बैठे ने, गुरदेव सिंह सिद्धू जी बैठे ने, जेडे पुराने प्रधान ने, ते जेडे हुण भी यूनिवर्सिटी की अलूमनी के जिन्हें भी संबंधित लोग ने, सारे के टैलीफोन आ रहे हैं भी इनू किसी तरह बचाइए। तो टीचर साहबाना के भी टैलीफोन भी कोई ना कोई मदद करो, नहीं तो यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी। बुद्धिजीवी साढ़े बैठे ने बलूवाला साहब, तो इन्हों की सारी टीम और विद्यार्थी भी बैठे ने, टीचर भी आए ने, कर्मचारियों के प्रधान सारे अज मतलब टोटल इस खिते खास तौर पर जेडे पंजाबी माँ बोली प्यार करने वाले लोग हैं उन्हों की चिंता बनी हुई है। तो अज एक कैंडल मार्च करके सिर्फ संकेतक तौर पर लेखकों वालों, प्रोफेसर वालों, विद्यार्थियों वालों, जिहड़े नुमाइंदा किस्म के बंदे ने उन्होंने फ्रंट लाइन के पांच पांच बंदे, दस दस बंदे, उन्हां वल्लों मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इह सुचेत करन लई, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अहसास कराउण लई कि इस यूनिवर्सिटी का ध्यान रखो, ये यूनिवर्सिटी थोड़े घर के सामने आ, तुसीं होर यूनिवर्सिटियां स्थापित कर रहे हो, तो जिहड़ी पहलां स्थापित यूनिवर्सिटी आ उहनूं उजाड़ रहे हो, तो यह किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो अज केवल तो केवल ये लेखक, प्रोफेसर, विद्यार्थियों, कर्मचारियों वालों मतलब पार्टीबाजी तो उपर उठ के असी निरोल एक पंजाबीयत का सबूत देंदे हुए पंजाबी माँ बोली नूं प्यार करन वाले, जां इह कह लो कि जिन्हां लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के विचों गुजर के किसी ना किसी खेत्र भी समाज की भी सेवा की आ, वह सारे अपना कंसर्न मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह होर मोती महल पटियाले कैंडल मार्च करके संकेतक तौर पर दसन ले जा रहे हैं। और जे उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का ध्यान ना किया, जे उन्होंने उस तरह की लापरवाही वरती, जे उन्होंने किसी तरह भी इस यूनिवर्सिटी वल विशेष तवज्जो ना दी, जनतक तौर पर असी होर लामबंदी करांगे। ये यूनिवर्सिटी को खत्म नहीं होने देवांगे, यूनिवर्सिटी हुण आखिरी साहां ते आ। जे शराब के ठेकेदारां नूं 316 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने के विचों
माली मदद दी जा सकती है, उन्होंने घाटा पूरा कर ली। रेत माफिया माइनिंग माफिया जरा है उन्हों 516 करोड़ रुपया उन्होंने घाटा पूरा करने लिए पंजाब के खजाने के कोरोना के दौर पंजाब सरकार मदद कर सकती है। तो की विद्यक अदारा जरा विद्या का मंदिर आ जरा पंजाब की पंजाबियों की शान आ और जरा श्री गुरु नानक देव साहब जी के उस महान 500 साल शताब्दी समय स्थापित किया गया उस विद्या के मंदिर को ढाउन लगी है सरकार। यह कैप्टन अमरिंदर सिंह के मत्थे ते कलंक रहेगा, कदे भी माफ ना करने वाली कार्रवाई होएगी जे उन्होंने इस वल विशेष तवज्जो ना दिती। और विशेष पैकेज जिहड़ा है स्पैशल माली मदद जिहड़ी आ जिहदी मंग कीती मानयोग वाइस चांसलर जिहड़े साडे इत्थे बीएस घूमन जी उन्होंने विशेष तौर पर, मैं तो यह भी कहना और सच आ कि वाइस चांसलर घूमन साहब न मजबूर करके यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलरी तो लांभे किया गया। कुछ ऐसा शक्तियां भी ने जिहड़ियां यूनीवर्सिटी तबाह करते लगियां हुई ने। और एक नेक इंसान सी, वधिया अर्थशास्त्री सी और चंगा विद्वान सी, यूनीवर्सिटी का मोह सी और इस खिते का रहन वाला घूमन साहब उन्हों मजबूर किया यूनीवर्सिटी की अगवाई कर तो वांझे किया। तो इस करके उन्होंने अस्तीफा ना मंजूर किया जाए बल्कि यूनीवर्सिटी को माली मदद दी जाए, विशेष पैकेज दिता जाए ता कि यूनीवर्सिटी अकैडमिक मामलों के अगे चल सके और बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रख सके और असी विकास के राह से तुर सकी। और सारे हुण जिन्हें भी अपने विद्वान ने अपने स्टूडेंट्स ने इंपलाइज ने और साडे MLA साहब साहब हरिंदरपाल चंदूमाजरा, मैंबर SGPC सर जरनैल सिंह जी, करतारपुर साहब, जेडे भी मतलब इस यूनीवर्सिटी नाल संबंधित मोह रखण वाले लोग ने, वो अज एक सिर्फ संकेतक तौर पर एक जगाउण दे लई और एहसास कराउण दे लई और एक मैसेज देण लई कैंडल मार्च करके फौरा चौक तो मोती महल वालों तुरंत का प्रोग्राम बनाया। तो आने वाले समय में असी विशेष तौर पर जनतक लहर खड़ी करांगे जे सरकार ने ना ध्यान दिता, अज केवल संकेतक तौर पर साडा सी अज करांगे जो हुण फौरा चौक। हाँ हुण देखो ये बड़ा मतलब चिंता वाली गल भी आ, अफसोस वाली गल भी आ। इस गल का सानू मतलब हमेशा ही रोस रहेगा कि जो पंजाबी भाषा नू मान मिलना चाहिदा सी पंजाब बनन तो बाद और जिस तरह पंजाबी भाषा का विकास होना चाहिए सी वो उस तरह हो ना सकिया। और खास तौर पर पिछले 4 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने बिल्कुल ही एक मतलब बगानेपन की भावना कर दी और बेरुखी दिखा के खास तौर पर मतलब अदारे नू ही समाप्त करने वाल लै गए। ये मैं समझता कि उन्होंने भावनात्मक तौर पर कोई खिच नहीं है, अगर भावनात्मक तौर पर कोई खिच होंगी तो लाजमी तौर पर इस अदारे को बचाने लिए कैप्टन साहब जरूर अगे आते। एक तो उन्होंने धर्मपत्नी बीबी परनीत कौर जी मैंबर पार्लीमेंट ने इस हल्के तो, दूजा वो इसे मतलब इतों विधायक भी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह घर के सामने यूनीवर्सिटी आ, तो वैसे भी वह पंजाब के मुख्यमंत्री ने, ते पंजाब की यह यूनीवर्सिटी एक मैं तो कहूँगा एक मोनूमेंट आ पंजाब का, जिस मोनूमेंट को गवाया जा रहा और ध्यान नहीं दिता जा रहा। अज ये जे लेखक प्रोफेसर पंजाबी यूनीवर्सिटी के नोमनी पुराने सारे प्रधान स्टूडेंट्स पुराने नवे सारे इंपलाइज वो सारे सिर्फ संकेतक तौर पर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने दसन आए हैं
के यूनिवर्सिटी नाल सांझा जुड़िया हुई ने और ये विशेष माली मदद दो ता कि यूनिवर्सिटी चल सके। मेरा सवाल दूजा उन्होंने जिन्हें मोह आ यूनिवर्सिटी ने जुड़िया होया वह सारे पीड़ा हो गई मैं समझना जो नवी यूनिवर्सिटिया का दौर तोरिया भावें किसी ने तोरिया मैं किसी राजसी पार्टी के चिकड़शाली दूसरबाजी के नहीं पैना चाहता पर मैं समझना इन्होंने भी यूनिवर्सिटिया जो स्टेटस से उन्हों बहुत डल्यूट किया नवी यूनिवर्सिटिया की जी दौड़ उन्हें विद्यक खेत्र के म्यार भी सुटिया और यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने इन्हों एक किस्म के व्यापारक अदारे बना के रखता मतलब इधर का जो अकैडमिक एटमोसफियर से अकैडमिक स्टेटस से वो बड़ा बड़ा ज़्यादा डल्यूट होया सारे सिस्टम के और उस नतीजा कि अज पंजाबी यूनिवर्सिटी जी उस संकट चो लंघ रही है जे अड अड इन यूनिवर्सिटिया का दौड़ ना होंगी इन्नी प्रभार ना होंगी तो शायद पंजाबी यूनिवर्सिटी से आ संकट ना होंगे जोड़े अज आ रहे हैं। तो अच्छ मैं तो सारे पंजाबियों अपील कराँगा सारिया सियासी पार्टियां अपील कराँगा कि वो पार्टीबाजी तो सियासत तो उपर उठ के मतलब ये सहयोग देन और कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने अभी अपील करा कि वह होर पास भावें घट कर लैन पर पंजाबी यूनिवर्सिटी को विशेष मदद देने दे हाथ ना घुटन। तो मैं फिर दोहराना कि जो शराब के ठेकेदार की मदद हो सकती है रेत माफिया की इस संकट की मदद हो सकती है तो फिर यूनिवर्सिटी की मदद करना तो कुदरती तौर पर उन्हों का फर्ज बनता सी विशेष मदद की हकदार है यूनिवर्सिटी।